अमजा साहब सलाम अलैकुम सर खाई की ना आखिरी आज इफ्तार पार्टी साढ़े को उनके हफ्ता फिर रखा है नहीं मुश्किल नहीं दिहाड़े बस आखिरी है माशाल्लाह भेनों का प्रो बेहतरीन जी किसी ना टेबल साढ़ा रेडी हो चुका सो हम सिर्फ इंतजार है टाइम थोड़ा जो करीब अच्छा है क्योंकि अजे भी टाइम इफ्तारी ना बाकी है اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھاں کروڑاں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں نیال پر موضوع ناظرین تھا تکنے کشمیری بیٹھک تے میں تھا میزبان ثاقب نواز کشمیری امید کرنا دے سارے دوست احباب پینا پر اللہ تعالیٰ نے فضل کرم تے شکر نال ٹھیک ٹھاک ہو سو خیر و فیت نال ہو سو تے اپنی جڑی زندگی ہے او احسن انداز نال گزارنے پے ہو سو ماشاءاللہ جناب دن انتہائی خوبصورت ہے اور سورج اچو بالکل سیدھی اوپر ساڈے آسمان پر موجود ہے اس لیے ٹائم ہویا جناب पूरे 12 होने की 10 मिनट बकाया और कल अले व्लॉग विच मैं तारीख गलत बाई सी हालांकि 14 होनी चाहिए सी लेकिन फिर भी मैं तारीख 11 दसी गया उस वजह से दसी सी कि माड़ी घड़ी पर टाइम खराब है माड़ी इसने किसी किस्म की कोई गलती नहीं दिहाड़ा तो टाइम बिल्कुल परफेक्ट शो होना लगा हुआ लेकिन जी डेट है ना वो अगर पिछले शो हो जानी है सो मैं काटी का डेटा दस करा तो ठीक रहना जो जो मैं डेट का टाइम माना ना कोई ना कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो ही जाना है बहरल यह सारिया गल् छोड़ो तुम खाली इमेजिन करो कि मैं डेट अगर गलत बाई है तुम सारे फील किया तो बेगम साहबा जल्द वीडियो तक है तो फिर उन्होंने क्या रिएक्शन सन गलत डेट पाने पर यह तुम सारे समझी सकने मैं उन्होंने क्या एक्सप्लेन करो पापा थोड़ा सिरे सिरे जा गया जनाब त्यार शहर हो ही गया अब जुमा तुम मुबारक ना इतहाई खूबसूरत है बबरकत दिन है रमजान उल मुबारक ना पहला जुमा सो एक्साइटेड भी आया तो तैयार भी हो गया बकाया है जनाब के सबसे पहले गड़ी शड़ी स्टार्ट कर सया आप तो तैयार हो ही गया ना गड़ी शड़ी स्टार्ट करी तो जुम्मे की तैयारी शैरी करसा सिर्फ गड़ी नहीं स्टार्ट करनी ना और कम काज भी होने जुम्मे से इलावा आज वो भी जरूरी करसा इंशाल्लाह सा पहले रिक्वेस्ट है चैनल चैनल सब्सक्राइब करी उड़ो अगर फेसबुक यूजर हो तो वीडियो की लाजमी शेयर करी उड़ो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मौजूद होने उतू जो सिर्फ टिक कराया करो तो समतलका जगह पर पहुंच जासो और गल्ला बातें हसन है लेकिन उससे पहले वेलकम टू द न्यू व्लॉग अच्छा जी भेनों तो भ्रो गड़ी शड़ी स्टार्ट करी उड़ी है तो स्टोरी है कि मौलवी और बोली पेन यानी कि अजान होनी है जुमे नहीं पहली साढ़े 12 तो नहीं हुए लेकिन आज फिर थोड़े जे एडवांस बोल रहे हैं शायद कोई टाइम ना क्या पीछे होया उसी सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम खोल लिया पहले जबरदस्त बारिश से बाद मौसम थोड़ा बेहतर हो गया धूप इतनी ज्यादा चमुट रही नहीं है तो गड्डी स्टार्ट करने हैं बल्कि ऑलरेडी स्टार्ट है इसकी बाहर कढ़ रहे हैं कबरा पर फातिहा लाने तो आज गड्डी पर क्या झुलने इतों की अगर झूले तो डिटेल नाल दसा पहले जुमा पड़ी कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जनाब अल्लाह ताला ने बबरकत नासो अपने खूबसूरत जो सफर ना आगाज हो गया सबसे पहले कपड़ा पर फातिहा लाने आवाम साड़ी जारी है मस्जिद शरीफ की तरफ असा भी फिर नसा इंशाल्लाह आ गई जनाब मस्जिद शरीफ सो गड्डी लाने अंदर साइड पर चलने अंदर सबसे पहले जुम्मा पढ़ने अलहमदुल्ला जी जुमा पढ़ी किंदा बेहतरीन जा मासे जी जुमा मुबारक रमजान रमजान मुबारक कैसे जा रहा रमजान शरीफ अलहमदुल्ला वैसे वैसे ड्यूटी ले बंदे ना मुश्किल ही जाना उसी सुना ना ठीक है कोई नहीं जी यूज ड्यूटी ऐसा कड़ा कोई नहीं नहीं चलो बंदा यूज्ड हो जाना सवेरे सवेरे जागना माड़ी तो 10 बजे तक आके नहीं निकलनी यही गल है ये मुश्किलात हो जानी है बाकी जुमा पढ़ी किंदा वो छोटे-मोटे काम काज जड़े करने ले वो नाल-नाल मकाने है शामी मस्जिद से भी दावत है लाजमी है जी जरूर मदद ना लाजमी है पेणो पर सोचते हो दावत देना कुछ है तुसा के कहजो दा पासा ना पहले सामान सारा चाहिए ना फिर ਪਰਨੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ ਕਰਾਸਾ ਵੀ ਜਾਖਣਾ ਸੰਚੇਤ ਸਭ ਕੋੜੇ ਮਾਸੂ ਜੀ ਸ਼ਾਮੇ ਕਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ੀ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਬਾਸੂ ਜੇ ਕਿਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਇਓ ਤੁਸਾਂ ਇਜ਼ੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਰ ਸੋ 5:30 ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਸੂ ਨਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਤਕਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤਕਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਕੌੜੇ ਸੰਦੋ ਆ ਕੀ ਤਕਣਾ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਪਕੌੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਤੋਂ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲਾਣੇ ਆ ਜੁਲੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕਬਰਾਂ ਪਰ 2 ਮਿੰਟ ਫਾਤਿਹਾ ਲਾਣੇ ਆ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵੀ ਲਾਣੇ ਆ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਫਿਰ ਕੋ ਫਰੂਟ ਕੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਵੀ ਜੁਲਦਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ अच्छा जी भेनों तो भ्राओ राई साहब की भी लाई उड़ा कब्रस्तान तो मैं चाहिए इसलिए खाना बाद ताज़ा फ्रैश जहाँ फ्रूट किन्ने वास्तव अगर 2.5-3 किलो पकौड़े चिप्स आर्डर भी दिए हैं तो मैं चुला 2-2 किलो सारा फ्रूट करवा है इसने की नीच है प्लस और काफी चीजा है इसने सो वापसी पर पिक कर सा स्टोरी बेसिकली ये कि साढ़े एक बड़े प्यारे जे कजन हमीद हमजा साहब इस दिन मैं एक ब्लॉग अपलोड किया उन्होंने वीजा हो गया सो ईद
तकरीबन फौरन बाद उन्होंने तैयारी है जाने ने इंग्लैंड ईद इस बाद पता बंदा इतना बिजी हो जाना ईदी पर या ईदी से बाद कि टाइम ही नहीं मिलना कोई गेट टूगैदर ना कोई दावत चावत ना मैं चलो रमजान शरीफ ही उन्होंने बुलाने ना सारी फैमिली की गेट टूगैदर करने ना इफ्तार पार्टी हो जाए मीटअप हो जाए अच्छा जा कि रमजान तो बाद कोशिश कर सी ईदी तो बाद फिर उन्होंने कोई दावत दिया लेकिन माने ख्याल उन्होंने को भी कोई टाइम उसी इतना इस वजह से रोजे जी मामला यस करने जल्द खाना बाद उतो कि फ्रूट सारा उस तो बाद फिर इंशाल्लाह वापस घर जल्द बेगम साहबा ने हेल्प आउट कराने अफतारी भी सारा कुछ घर बनाता था सो हेल्प आउट तो बनी है ना जनाब अजी तो भेनो भ्रा फाइनली पहुंचे हैं खानाबाद कुछ सब्जी फ्रूट शरूट बेहतरीन यकीन करो स्ट्रॉबेरी स्पेशली इस मौसम में चाहिए है ना तकने की सिर्फ सोनी नहीं है बल्कि मीठी भी है मैं उधर खादी है बहुत स्वाद है यार भाई क्या चल है सोना सेहत बेहद कैसी है बहुत वर्षे बाद मुलाकात हुई है ये गल है ना चलो बाकी पापे ककड़ी बाई उड़ो सेब सोना जहा बाई उड़ो केला बाई उड़ो 2 किलो सोना जहा सेब 2 किलो तो पहले तो प्रॉब तकने और क्या कुछ किया जाए पापे वैसे जिन्हों रमजान को फ्रूट काट नहीं रमजान फ्रूट बिल्कुल ठीक है ये मतलब कुछ चीजें बे दमाना सीजन है दमाना सीजन है वक्त दमाना सही है मतलब ऑफ द सीजन है को मजा नहीं नहीं इतना जो 20,000 1200 ना इतने पीस दमाने इसने और बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता वाकई सही गल है महंगाई है के काफी ज्यादा हो गया है 1000 1200 रुपया दमाना कौन खाती है तो चलो ककड़ी तो आएगी अल्लाह इन्होंने भला करा ककड़ी पर गुजारा कर रहे हैं ककड़ी ठीक है 2 रुपये किलो 2.5 रुपये अच्छी ककड़ी इसमें लगी नहीं अच्छी है आई मीठी है मैं उधर खड़ी तुसों को अच्छी है मीठी है चलो बाकी चीजें सब होने हैं पापा 1/2 किलो इतरेड़ियां भाई उड़े जी अकेला दर्जन भाई सबसे अकेला क्या चीज है यकीन करो अकेला नहीं अकेला इतने तो लोगों फलियां लाई अकेले दुकानों पर 200-250 रुपये 300 रुपये दर्जन बिक रहे फिर ये केला भी सुनता कोई ये केला कहीं दुकानों लगे ही कोई नहीं होने लगा मैं पता है फिर जो पैसे घट होने फिर क्वांटिटी तो घटी जानी साहब उठे ही जाना है मतलब बचना कुछ भी नहीं होने सलांधी से हो या पवानी से हो लक बशकार ही है वह साहब पीना तो सस्ती चीज गिन सो क्वांटिटी नहीं अच्छी लगन लगी तो फिर फायदा कोई नहीं है? इसको धक्का लगाओ जैसे घुमाना है इसको चलो जी चलो तो मोड़ो पहले कटे मुड़ी जैसी क्या करी चलो चल चलो जी गाड़ी होगी स्टार्ट फिर तो ब्रो पलाका पहुंचे सारा शिमरेश साहब आने लगे गाड़ी की धक्का लवाना मैं जी मसला ही कोई नहीं सो गड्डी की लाया तक्का ते हूँ जुले कार कार जुले दफ्तारी शिफ्तारी तैयारियां भी करा वो मामलात भी नज़दीक ही है अल्लाह हाफिज़ बाबा मेहरबानी शुक्रिया आई लव विलेज लाइफ जिस बंदे की जितना काम होना कुछ बंदे की रोकी सकना बगैर कुछ हेजिटेशन शहर तो तुम्हें पता ही नहीं होना कमांड कोड रहना पापा फिर तो ब्रो फाइनली पहुंचे हैं सर हसन साहब ने तो कहना पर सर साहब रोजे ठीक है जबरदस्त चलो सब तो पहले तो असा चाहे जनाब बिरयानी पापे एक बम्बई बिरयानी मसाला से वो कुछ गया मटर आए स्पेशल बम्बई ये जबरदस्त है सही स्पाइसी होना ना सो ये रखो बाकी 2 किलो चावल पाई दियो चावल जरा मैं खड़े सन 4 किलो चार सोले ये 2 किलो चावल पाई दियो चंगे जे बाकी बंद तो तकने निकी मोटी बहुत सारी चीज़ें चाहिए जैसे कि दही दही उसके अलावा अचार ये भी बने 1650 हो गया 3 डब्बे दही ने 690 ए खीर मिक्स कितने नहीं सी कल 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 एरा ए मैं देना मैं बनाना जी ए 150 रुपये नहीं क्या सर चलो 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 जी 1650 जमा 300 कितने आ गया 300 हो गया तो ए कितना ये रसमलाई ठीक है ठीक है 800 रुपये चावल आना ए पूरा चावल सी रखी हो 800 रुपये चावल आना बिल्कुल 800 रुपये जी हाँ 500 रुपये ठीक है खजूर होगी 810 रुपये 6,110 तो ब्रो यकीन करो कि पाकिस्तान में ना पैसे की वैल्यू दी है भाई
यकीन करो कि रमजान शॉपिंग करने से पहले ना 100 दफा सोचा करो, महंगाई इतनी हो चुकी है जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। मैं सुन सामने जो कुछ किया मैं आलमोस्ट कोई 12-13 हज़ार रुपये में लाइदा आया। आखिर ना बेसिकली मकसद यह कि मुल्क बिच पैसे की वैल्यू नहीं रही। यह नहीं कि तुम बहुत फजूल खर्च हो गया, मैं बहुत फजूल खर्च हो गया। मेन इशू है कि जो पैसा है पाकिस्तानी रुपीस उसकी कोई वैल्यू नहीं मार्केट में। पता नहीं इसकी वैल्यू बनी है नहीं बनी, बहरहाल साड़ी वैल्यू कटी जैसी। चलो जी समान सारा टिकी गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जुम्मा मुबारक है मुबारक। यकीन करें ये थोड़ा सा सामान लेके आए 12-14 हज़ार रुपये लग गए। महंगाई बहुत है माड़ा गाना सुनो, महंगाई बहुत है। लिंक उसमें भी डिस्क्रिप्शन ही दी उठसा। फिर से पता लगती मैं तो साल पहले गाना किया गाया सी। मुझे ये पता है स्मेल किस चीज़ की आ रही थी, प्यारी सी। क्या बना रहे बन चुका है? ओ वाह माशाल्लाह, आपने इसमें ऐसा क्या डाला है कि इसके से इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है? गरम मसाले। गर्म मसाले की खुशबू है। सो चलो हेल्प आउट करने हैं ना कि बाकी कम आ जाए भी। शामी की जी अफतार पार्टी है डिनर सारी फैमिली ना उसने तैयारियां करना है। पेड़ों तो भरा बेगम से बनाई ओड़े सालन यानी कि चिकन ना। बाकी चावल भिगोई उड़े ने और ये आप क्या कर रही हैं? आटा रख रही हैं। ओके मैं जनाब बना लगा रायता। सलामुअलैकुम वाला बात सुनो जी। अफतारी का दावत शाम को दी थी, अभी क्यों आ गए? हम आ गए पहले ही मदद करेंगे। चलो फिर ऐसे करो ना। वाले शोर कौन ज्यादा करता है, मामू करते हैं आप ज्यादा शोर करते हैं? चलो मिलो उधर मामी नाल मिलना पहले मामी नाल मिलना। चपराठे पटासे मिकी भी। चलो बाकी लिखे भी आ गए, थोड़ा बहुत कम शम करने हैं। मैं बना ला सा रायता शेता रायते बस। ये रायते के लिए सामान सारा काट रहा हूँ ना, काट के भी रख दूंगा ना, बाद में मिक्स कर दूंगा ठीक है। चलो आप लोग ये छिलके उठाए ना और इनको जाके कहीं फेंक के आए। कुकड़ खाएंगे ना हमारे, कुकड़ चिकन वो खा लेते रहते हैं। शाबाश। हाँ, लेकिन किधर फेंकेंगे? कुकड़ किधर है हमारे? नीचे। तो कहाँ फेंकोगे? आसमान में। नीचे जाके फेंकोगे ना बेवकूफ 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 बेवकूफ। शाबाश, आराम से आराम से आराम से हाथ बचा के। ओके यार आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये देखो ना भैया कैसे काम कर रहे हैं। यार मैं कैसे काम करूं, मेरे पास कोई काम की चीज नहीं है। तारे को ना स्कूल जाना होना ना काम करना होना, बेला बैठा रहना तू है। शाबाश। चलो छोड़ो जब और काटते हैं, बाकी थोड़ा जा रही गया इंशाल्लाह, थोड़ा जा कटी ना फिर रात के सारे सामान तैयार हो। अजीत भेड़ो भ्रो कम काज जा रही सी है, रायते ला सारा समान ए टू जेड बेहतरीन जे तरह नाल कटन गया। सो हुण मैं ते ज़कास अभी कोर प्रोजेक्ट पर कम करी रहा, आलमोस्ट सारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है, वो है जनाब कस्टर्ड वाला। सो एक डूंगा सब बनाई चुके हैं ऑलरेडी और हम अभी बना रहे हैं एक और डिश। यस माशाल्लाह, अब इसको आराम से उठाएं। कौन उठाएगा? उठा लेंगे आराम से। चले आ जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक वो पड़ा हुआ है इसको ऊपर वाले फ्रिज में रख दें, यहाँ रख दें, यहीं रख दें। शाबाश ठीक है। चलो काम हो गया जबरदस्त। पहले तो भरा निकल कम कराना चाहिए ताकि इन्हें की थोड़ी बता दे पे ये भी वेले ना कुछ काम काज करी देना। मामू ने मुझे एवोकाडो का रोजा नहीं रखा हुआ था आपने? नहीं तो आपने रोजा रखा हुआ है? किधर है? इधर है अंदर। चलो बाकी उद्देश्य मिक्स करने हैं, साफ करने हैं, उसके बाद बाकी काम मुकसन फिर इंशाल्लाह। जी शोनो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल लाजमी लाजमी। माड़ा तो जुकार सब जुकार पकड़ो ना यार, इस दिशकी को पकड़ो ना। आप काम कर रहे हैं मेरे साथ, भूल जाते हो कि आप काम कर रहे हैं मामू के साथ। आपने मुझे पता ही नहीं, नहीं अभी पता चला है ना। तो आपकी मामी बना रही है इधर चटनी, हम बना रहे हैं रायता। ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको सही से मिक्स करेंगे। गाइस रायता बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। कितनी देर से मैं काम कर रहा हूँ देखा ना। चलो सो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा बेहतरीन। मैं नहीं, हम दोनों। ओह सॉरी सॉरी, समझ रहे हो? समझ रहे हो?
अलहमदुल्ला जी भेड़ों ब्रो सेटिंग ने सारे अरेंजमेंट हो गया है तकरीबन 20-22 बंदे ने बिना गुंजाइश एंड प्लस सम एक्स्ट्रा टेबल्स इन केस अगर जरूरत पी गई है सो खजूर भी रखी हुई है तो छोटे ग्लास आप जमजम वास्तव सो बड़े ग्लास पानी शानी पीने वास्तव है मैं समझना बेहतरीन अफतारी वही होनी है जो सारे मिली पी तो कर और प्लस सबसे बरकत वाली चीज़ जी अफतारी भी मिगी सबसे ज़्यादा पसंद है वह है आप जमजम तो नाल मदीने मुनव्वरा ने खजूर जो खुद इंसान की पसंद है बाकी सारे क्योंकि वह खाने के नहीं है फिर उसमें बहुत सारे ग्लास रखे हुए हैं बाकी थोड़ा कम कर करी पावा था थकी गया आखिरी काम रहना जनाब फ्रूट शूट कुतरना वो तो ऐद है बाकी चावल चावल खाना शाना रोटी शोटी कस्टर्ड शस्टर्ड सारा कुछ तैयार है तो थोड़ा रेस्ट करना है फिर नमाज पढ़ना है असर नहीं तो उसके बाद फ्रूट शूट कुतरना है फिर सारे यार उन्होंने टाइम स्पेंड करना है इंशाल्लाह वाले सब गड्डी गड्डी है जनाब जो चिप्स पकौड़े आही आए सन वो आने का टाइम हो गया आलमोस्ट 5 बज के कुछ मिनट हुए हैं सो 6 बजे तो 10-15 मिनट पर रोज़ा खुलसी है सो उधर जुले मैं दरी डाई है मैं अंदर रोज़ा खोली तो उस बाद फिर चलो नमाज बंदा ईजीली से पढ़ी के ना सारे सो एक ही नहीं था आनंद तब तक असम ही बाकी चीज़ा चीज़ें रखने हैं टेबल पर उस तो बाद फिर आस्ते आस्ते सारे आई भी जासन है बेसा थोड़ी देर गपशप उसी तो फिर रोज़ा खुलता इंशाल्लाह अजी तो भैन भ्रा फाइनली पापा थोड़ा मौजूद है इसलिए किचन में टाइम चुके थोड़ा रहना सी लगा वागम साहब आलमोस्ट आधा घंटा सो अधिक डर रहा सी लगा तो मैं चलो फ्रूट शूट करना शुरू करने हैं पहले इसमें काट लेते हैं सारा फ्रूट केला सेबी और अंगूर अनार सारा कुछ तो उसके बाद हम प्लेट्स बना देंगे क्या कहते हैं चलो फटाफट एक उतरने उसके बाद मिलना है आजी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं यार अफ्तारी में क्या टाइम रह गया थोड़ा सा ही है चलो फिर चीजें चीजें उठाओ और परे रखो सारा कुछ जल्दी जल्दी चलो माशाल्लाह भेड़ों का प्रो प्लेटें बनी हैं ज़बरदस्त हैं ये जब बन चुके ना तब आप लोगों ने पड़े रख देने ठीक है मैं बाहर से पकौड़े लेके आता हूँ आओ जी हो रहे हैं हाँ पकौड़े समोसे तो चिप्स उन्हें इतना कारकुन बनाया एक्स्ट्रा लोड हो जाने से जैसे मैं बनते हुए इनको वो पहले आगे रखो उधर से रखने रखते इधर आओ शाबाश एक प्लेट समोसों की एक पकौड़ों की एक चिप्स की एक फ्रूट की ठीक है शाबाश एक इधर रख दो यहाँ रखो बाकी भी ऐसे ऐसे रखनी है खुली खुली ठीक है वहाँ रखें शाबाश जल्दी से लेके आए सारे अच्छा सो सेटिंग शोटिंग सारी बनी हुई है मजीद लाइटा लूट ऑन करी उड़ी ताकि रोशनी हो जाए सो फटाफट ला दो प्रो लाई उस तो बाद मिल लिया माशाल्लाह भेनों का प्रो बेहतरीन जी किसी ना टेबल साड़ा रेडी हो चुके सो हम सिर्फ इंतजार है टाइम थोड़ा जो करीब बचा क्योंकि अजे भी टाइम अफतारी ना बाकी है काफ़ी बाकी है सो टेबल सजी चुके सारे बुलाने तो अफतारी करने हैं अमजा साहब सलाम अलैकुम सर खाई कि ना आखिरी आज अफतार पार्टी साढ़े को हूँ क्या पता फिर अगर नहीं मुश्किल नहीं दिहाड़े बस आखिरी है चलो खैर बज तक जैसे अलहमदुल्ला भेड़ों का प्रो अफतारी करी कहती है नमाज भी मगर भी पढ़ी कहती है बाकी बदल नमाज पढ़ने मैं तो अमजाज हफ्ते से खा वापस आ गया अमजा रहा इंग्लैंड से ज़्यादा कुछ नहीं आईफोन 16 प्रो मैक्स वाला नवा नवा आया हुआ उसी पता ही है नवी चीज़ अजी तो भेड़ो फाइनली खाना शाना खाई बाकी सारी बच्चा पार्टी मौजूद है अमजा अल्लाह वाले कहता मिली गई ठीक है तो हूँ इंग्लैंड पर रोया रोया बस अच्छा जी बदी रो नहीं रो बाकी भेड़ों का प्रो फाटे शाटे समेटने का कम काज मकान है बहुत जल्दी मुलाकात दसी एक लाइव वीडियो नया ब्लॉग नाल तब तक वैसे रब रखा सीए मान लिया हसने रहो कश्मीरी बैठे तकने रहो।